नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है शरद। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज वर्षा, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और फरीदाबाद में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। कई राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बंद, रेल और हवाई यातायात भी हुआ प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया दौरे पर, अपने मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अधिक मजबूत करने की संभावनाओं पर होगा विचार विमर्श। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज ब्रिटेन की दो दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। दोनों देशों के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पर होगा फोकस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए फिर डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल सीवी आनंद बोस नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बंगाल के पंचायत चुनाव पर सौंप सकते हैं रिपोर्ट। कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह बैठक आज होगा औपचारिक उद्घाटन। वहीं गुजरात के केवड़िया में भी व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का होगा आगाज। खेल की खबरों में, भारत के लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब। फाइनल में चीन के ली शिनफेंग को सीधे गेम में हराया। इस साल लक्ष्य का है ये पहला खिताब। आज है सावन का पहला सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालु भोले बाबा का कर रहे हैं जलाभिषेक। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल जमकर बरस रहे हैं। जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं मैदानी इलाके जल जमाव और बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्यों का हाल बेहाल है। भूस्खलन और रोड ब्लॉकेज की वजह से इन पहाड़ी राज्यों में कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने निचले क्षेत्रों सहित जम्मू संभाग के कठुआ और सांबा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से राज्य की नदियां, नाले और जलाशय उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते मंडी में पुराना और बंजर पुल ढह गया। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की समस्या पैदा हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक सभी जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के कई प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दो दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद आज हालात कुछ बेहतर हैं। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जारी तेज बारिश होने की चेतावनी के मद्देनजर दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों के आज एहतियातन सभी स्कूल बंद रहेंगे। पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया जा रहा है। मौसम की स्थिति देखने के बाद स्कूलों को खोलने या बंद रखने का निर्णय लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना और राजनीतिक साझेदारी को और बढ़ाना है। राजनाथ सिंह मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करते हुए इन संबंधों को और दृढ़ करने के लिए नए उपाय की खोज करेंगे। दोनों देश द्विपक्षीय हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राजनाथ सिंह मलेशिया के प्रधानमंत्री CYB दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया दोनों देशों का पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में साझा हित है। दोनों लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत और बहुआयामी संबंध है जो रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। दोनों देश 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित उन्नत सामरिक साझेदारी के दृष्टिकोण के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज ब्रिटेन की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पीयूष गोयल की ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पर केंद्रित रहेगी। इस दौरान यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी चर्चा होगी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार बाधाओं को हटाना और प्रौद्योगिकी व नवाचार में सहयोग बढ़ाना है। ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ आपसी हितों के समझौते की ओर बढ़ने और आर्थिक संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए फिर से वोट डाले जा रहे हैं। इन जिलों के कुल 697 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में 175, मालदा जिले के 110 मतदान, नादिया जिले में 79 केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था और इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। चुनाव के दौरान कई लोगों की हत्या हुई और कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई। पुनर्मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के 4-4 कर्मियों को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। संभावना है कि राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल के पंचायत चुनाव पर रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्यपाल ने शनिवार को मतदान के दौरान कई स्थानों पर मुख्य रूप से उत्तरी 24 परगना जिले का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने घायल व्यक्ति के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, संस्कृति मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन आज उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथि होंगे। आज बैठक की प्रस्तावना और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई तक बैठक के अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें G20 की सांस्कृतिक परियोजनाओं में हुई प्रगति की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भाग लेने आए प्रतिनिधियों को हम्पी के ऐतिहासिक स्थलों और हस्तशिल्प केंद्रों पर भी ले जाया जाएगा। 3 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
भारत ने संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। हम्पी की बैठक में चर्चा के दौरान प्रतिभागी देश और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को गतिशील बनाने के लिए संस्कृति से जुड़ी विशेषज्ञता और श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करेंगे। गुजरात के केवड़िया में आज से G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों को, आमंत्रित देशों को, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्य उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के वैश्विक होने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव, टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे आगामी अगस्त माह में जयपुर में होने वाली G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लक्ष्य ने 5वीं वरीयता प्राप्त चीन की ली शी फेंग को हराकर खिताब जीता। पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य ने पहला गेम आसानी से 21-18 से जीतकर बढ़त ले ली। हालांकि दूसरे गेम को जीतने में उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस गेम को 22-20 से जीतकर लक्ष्य ने मैच को 21-18, 22-20 से जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये सत्र में लक्ष्य का पहला खिताब है। वर्ल्ड यूथ एंड कैडेट चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन पार्थ ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को शिकस्त दी। इसी के साथ वो जूनियर विश्व चैंपियन बन गए हैं। वहीं भजन कौर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पूरी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। इंग्लैंड ने एशेज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर 3 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की है। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 251 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने चौथे दिन हैरी ब्रुक, क्रिस वोक्स और मार्क वुड की शानदार बल्लेबाजी की मदद से 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बावजूद इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। इंग्लैंड की दूसरी पारी में हैरी ब्रुक ने 93 गेंदों पर 75 रन बनाए। वहीं जैक क्राउली ने 44 और बेन डकेट ने 23 रन का योगदान दिया। क्रिस वोक्स ने नाबाद 32 और मार्क वुड ने नाबाद 16 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। मैच में 8 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मार्क वुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर के शिवालयों में भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन माह के पहले सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है।